नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। थाना अजीमंगा क्षेत्र में हुई हत्या का 72 घंटे में रामपुर पुलिस ने सफल खुलासा। रामपुर में मुतवल्ली तस्वीर मियां हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसपी ने बताया कि बेटी ने देवर के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। बताया कि पिता दोनों के अवैध संबंध में बाधक बन रहा था। रामपुर के अजीमंगा थाना क्षेत्र के परचई गांव के इमामबाड़ा के मुतवल्ली तस्वीर मियां की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी ने की थी। अवैध संबंध में बाधक बनने पर बेटी ने अपने देवर के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या मामले में मुतवल्ली की बेटी और उसके देवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया है। अजीमंगा थाना क्षेत्र के परचई गांव में 16 फरवरी को इमामबाड़ा के मुतवल्ली तस्वीर मियां उम्र 62 वर्ष की दिनदहाड़े धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। तस्वीर मियां की लाश इमामबाड़ा परिसर में पड़ी थी। पुलिस ने इस मामले में मृतक के दामाद अब्दुल रहमान ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। हत्यारोपियों ने मुतवल्ली के मुँह में कपड़ा ठूंस दिया था ताकि हत्या करते वक्त मुतवल्ली की आवाज नहीं निकले। पुलिस ने इस मामले की विवेचना करते हुए घटना के 72 घंटे के भीतर इस घटना का अब खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मुतवल्ली की बेटी हमशीरन और उसके शादींगा गांव निवासी देवर गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि मुतवल्ली तस्वीर मियां की बेटी हमशीरन के संबंध उसके देवर गुड्डू से रहे। 15 व 16 फरवरी की रात में मुतवल्ली ने अपनी बेटी हमशीरन को उसके देवर गुड्डू के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसका मुतवल्ली ने विरोध किया था। उस वक्त इन दोनों के बीच विवाद हुआ था। अगले दिन हमशीरन और गुड्डू ने मिलकर अपने पिता तस्वीर मियां को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और फिर इमामबाड़ा में ही घटना को अंजाम दे दिया। पहले हत्यारोपियों ने चीख न निकले, इसके लिए उन्होंने मुतवल्ली के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और फिर धारदार हथियार से हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। एसपी ने बताया कि दोनों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त दांव भी बरामद किया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। दिनांक 16 फरवरी को राजीव नगर में एक व्यक्ति जो कि गंडा तावी जाति बनाने का काम करता था, वो अपने घर में घायल अवस्था में मिला। उसका गला किसी शार्प ऑब्जेक्ट से रेता गया था। घायल अवस्था में उसको अस्पताल ले आया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और तमाम तलाशी ली गई, पूछताछ की गई, लेकिन उस समय हाथ में नहीं आया। इसमें DSSP रामपुर और CO टंडा सहित थाने की पुलिस ने टेक्निकल सर्विलेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस लगा कर 72 घंटे के अंदर इस अज्ञात हत्याकांड का खुलासा किया है, जिसमें यह निकल के आया है कि मृतक की पुत्री का अपने देवर से अवैध संबंध था, जिसको जो उसने घटना की से एक दिन पूर्व वाली रात को देख लिया था। अपनी हरकत को छुपाने के लिए और अपनी बेइज्जती बचाने के लिए इन लोगों ने षड्यंत्र रचकर दिन में एक दांव से शार्प हथियार है उससे उसके दांव ले लिए। आज ये दोनों लोग गिरफ्तार किए गए हैं थाना अजीमनगर पुलिस द्वारा। इनके पास से घटना में प्रयुक्त आला कतल और जो रक्त रंजित एक घड़ी थी वो इनके घर से ही बरामद की गई, जहाँ इन्होंने छुपाया हुआ था। क्या इस लड़के का पहले भी कोई अपराधी की तरह से? अभी ये सब का पड़ताल कर रहे हैं, किंतु मूल जो घटना का कारण है वो अवैध संबंध है, न कि कोई अन्य इसका अपराधी थी। नाम क्या है सर? गुड्डू पुत्र नवी जान और ये जो अभियुक्त है हमशीरन लड़की का नाम दामशीर। हाँ, वही तो लड़की बताया मैंने। लड़की मृतक की लड़की ने ही अपने देवर के साथ मिलकर के एक घटना कारित की है। सर, सवाल है।